मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूं और आज का दिन देखते हैं यानी कि 2 नवंबर 2020 कैसा जाने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज का दिन सामान्यता जाता रहेगा, जैसी चल रही परिस्थितियां वैसी चलती रहेंगी। इसमें और अनुकूलता अगर आप लाना चाहते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करिए, मन को शांत रखिए, अध्यात्म के प्रति अपना रुझान बरकरार रखिए। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको इंडिकेटेड वे में आपके लिए कहीं ना कहीं एक्सटर्नल हेल्प मिलती हुई आज के दिन नजर आ जाएगी। चीज़ें आपके लिए जैसे चल रही हैं और गतिशील तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती हुई एविडेंटली अब आपको दिखाई देने लगेंगी। यानी कि जिस निष्ठा के साथ आप प्रयास करते हुए आगे चल रहे हैं, वो परिस्थितियाँ आपके लिए शुभता या शुभ संकेत लेकर आ जाएंगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा टायरिंग आपको फर्स्ट हाफ के दौरान लग सकता है, साथ ही साथ चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, तो संबंधों पर भी कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ सकती है। तो आज के दिन वाणी पर कंट्रोल रखना है, शब्दों का सोच समझ के आपको प्रयोग करना है और परिस्थितियों को काबू में लाने के लिए जहां पर जिस अवस्था में आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है वहां पर आपको शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना है। साथ ही साथ आज के दिन कार्य क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज होने से आपको बचाना है अपने आप को, या आपको लगता है कि दो लोग बीच में बहस कर रहे हैं तो वहां पर बीच में ना जाएं, अपने आप को डिटैच करके रखें। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, परिस्थिति अवस्था सिचुएशन टाइम सब कुछ आपके लिए सही चल रहा है, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, कार्य क्षेत्र में भी विस्तार आप बना पाएंगे, स्वास्थ्य लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के आज का समय आगे की परिस्थिति को टैक्टफुली प्लान करने के लिए बिल्कुल सही है। निवेश करने के संदर्भ में आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे या आपकी परिस्थिति और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती हुई नजर आएगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नया एक इंडिकेटिव पैटर्न लेकर आ सकता है। अब ये नई चीज़ आपके विस्तार आपके कार्यक्षेत्र में हो सकती है, आपके लाइफस्टाइल में हो सकती है, आपके विचारधारा में हो सकती है, कुछ ना कुछ नया चेंज आज का दिन आपको देकर जाएगा। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव भी आज के दिन होने की ज़रूरत है। मन को शांत रखिए, जल्दबाजी निवेश करने के संदर्भ में ना करें, सोच समझ कर रिव्यू करें और आगे चलें जिससे कि परिस्थितियाँ और बेहतर हो सकें। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन कहीं ना कहीं आपके ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़ा सकता है। आज के दिन किया हुआ ट्रैवल अगर कार्य क्षेत्र में के संदर्भ से रिलेटेड है तो वहां पर आपके लिए परिस्थितियां और बेटर करता हुआ जाएगा। थोड़ा सा आपको इनिशियल लेवल का हेजिटेशन हो सकता है ट्रैवलिंग से, लेकिन ये परिस्थिति आपको रेजुविनेट करके भी जाएगी और आपके मन को भी शांत रखेगी। तो कहीं ना कहीं आपको इस चेंज की ज़रूरत थी जो आपके लिए अब आया है, इसका स्वागत करिए, प्रोग्रेसिव बनिए और कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति की तरफ और आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हुई नजर आ जाएंगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है, पॉजिटिविटी आपको दिखने को मिल सकती है, मन आपका शांत रह सकता है, पॉजिटिविटी आपको सब तरफ से देखने को मिलेगी, परिवार में पॉजिटिविटी आपके थ्रू आएगी और लोग भी आपके लिए खड़े रहेंगे। यानी कि आपकी विचारधाराओं की वजह से पारिवारिक स्थिरता सब तरफ से इन टोटैलिटी आपके लिए शुभता या शुभ संकेत लेकर आ गई है। मन आपका शांत हो रहा है, परिस्थितियां आपके फेवर में आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक ये परिस्थिति हो रही है जो सब तरफ से इंडिकेटिव एक आपको इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन के रूप में स्थिरता बनती हुई दिखाई दे जाएगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको फर्स्ट हाफ के दौरान थोड़ी सी चिंता में डाल सकता है। ये चिंता आप ही के द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से है, तो अपने लिए गए डिसीजंस को आज के दिन रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके किए हुए चुनावों से या लिए हुए विकल्पों से कुछ दिक्कत आ रही है तो आज के दिन अपनी गलतियों पर काम करने का सबसे कारगर दिन साबित हो सकता है। साथ ही साथ निवेश आपको कहीं ना कहीं लाभ देकर जा सकता है, पराक्रम वृद्धि होती हुई नजर आएगी, मन भी आपका आज के दिन शांत रहेगा। पार्टनरशिप्स में जो लोग हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स कहीं ना कहीं फ्रूटफुल, प्रॉफिटेबल या रेवेन्यू जनरेशन की तरफ घूमती हुई या मुड़ती हुई नजर आएंगी।
बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन नियम से चलने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन अप्रोच लीजिए, पेशेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करिए और कंसिस्टेंसी अपने काम में बनाए रखें। अब ये कंसिस्टेंसी कार्य क्षेत्र में विस्तार की तरफ की हुई स्ट्रैटेजीज, बनाई हुई टैक्टिक्स या शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज आपको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्टिव व्यू भी देकर जाएंगी और आपकी परिस्थितियां भी बखूबी ढंग से पॉजिटिव बनाकर जाएंगी, मन भी आपका शांत होगा। लगभग परिस्थितियां आपके लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार का स्वरूप लेकर आएंगी, कहीं ना कहीं से आर्थिक मदद आपके लिए आएगी। लोन के लिए अगर आप सोच रहे हैं लेने की, तो ऋण की और परिस्थितियां बेटर होंगी, लोन का क्लियरेंस मिलेगा, अप्रूवल्स आएंगे और उसका रीपेमेंट भी अच्छी तरह से आप बैलेंस आउट कर पाएंगे। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन मन शांत रखिए, परिस्थितियों को अपने फेवर में लीजिए, कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अपने आप से दूर रखिए, उन लोगों से इमीडिएटली डिटैच करिए जो आपकी सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव व्यू पॉइंट में लेते हैं या आपको स्ट्रेस्ड आउट करते हैं, इमीडिएटली उन लोगों से डिटैच कर जाइए। साथ ही साथ आज के दिन आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशंस और बेटर आउट हो, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि नकारात्मक परिस्थिति या नकारात्मक सिचुएशन से अपने आप को अटैच करते हुए दिन की शुरुआत से ही चलें। निवेश करने के संदर्भ में सतर्कता बरतिए, खास तौर पे लीगल डॉक्यूमेंट्स करने से, साइन करने से पहले वहां पर आपको अपना पूरा ध्यान लगाने की जरूरत है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपकी सिचुएशंस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती हुई नजर आएंगी। अगर आप कहीं ना कहीं से रुका हुआ धन को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आप कहीं कुछ किसी एक रिसोर्सेज की तरफ प्लान आउट कर रहे हैं, कुछ आप नया काम करने की सोच रहे हैं, तो जो धन आने की इनकम की एक परिस्थिति है वो आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं क्रिएटिव एक्यूमेंट भी आज के दिन जागृत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, परिस्थितियां भी बेटर आउट होते हुए नजर आएंगी, मन आपका शांत होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिरता भी आज के दिन बनती हुई आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन जल्दबाजी लीगल मैटर्स में ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो लोग नया काम करने की सोच रहे थे या हाल फिलहाल में नया काम जिन्होंने शुरुआत किया है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में नई नौकरी के संदर्भ में हो या आपका बिजनेस एक्सपेंशन के संदर्भ में हो, दोनों ही अवस्थाओं में परिस्थितियाँ काफ़ी कारगर साबित होंगी, लाभदायक साबित होंगी, मन आपका शांत रहेगा, पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए जनरेट आउट होती हुई नजर आएंगी, एक्सटर्नल हेल्प मिलेगी, कुल मिला के ये समय आपकी परिस्थितियों को और मजबूत करता हुआ जाएगा। इस परिस्थिति को आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस लेते हुए इसका फ़ायदा उठाना है और परिस्थितियों को और आगे बढ़ाते हुए जो आपने अपने लिए एम या डायरेक्शन या कुछ गोल निर्धारित किया उस तक आप पहुँच जाएंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, सब तरफ से पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आएगी, मन आपका शांत रहेगा, पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी। हाउएवर, माता या माता तुल्य किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता आज के दिन आपको सता सकती है या परिस्थिति वहां पर खराब भी होते हुए आप देख सकते हैं, इसलिए समय से आपको वहां पर ध्यान रखना है, डॉक्टरी परामर्श लेते रहना है और किसी भी छोटे सी मेडिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है। साथ ही साथ आज के दिन पारिवारिक स्थिरता पर आपको काम करते हुए कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण आपको डेवलप करना पड़ सकता है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है जो इन टोटैलिटी आपके परिवार की स्थिरता या एकता के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आज के दिन अगर आप नियम धर्म से चलेंगे, पूजा पाठ में मन लगाएंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करेंगे तो परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।